हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5 की, फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 डिवीज़न। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट यू हैव गिवन कंप्लीट द टेबल। आपको एक टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो आप में इसमें कुछ पार्ट दिखाई दे रहे होंगे ए बी सी डी लाइक। तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ जो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें फिल करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपको फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है ऑलरेडी जो सॉल्व है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि 21 डिवाइडेड बाय 7 दिया हुआ है आपको। 21 को किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है? 7 से। तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। अभी हमने लास्ट में 2 मेथड सीखे, तो अब जो भी तरीका आपको इजी लगे आप उससे ये कर सकते हैं। अब हम एक टेबल से करेंगे तो बहुत ईजी है। 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 20। जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 27 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो आपको मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिविडेंट होता है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमें उसे हम क्वोशेंट कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात। तो अब इसमें क्या करना है, इनको पहले आपने कंप्लीट डिवाइड करके दिखाना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन डिविडेंड, डिविजर एंड क्वोशेंट। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। हम 18 को डिवाइड करना है 2 से। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं टेबल 2 की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप इसे जब भी सॉल्व करेंगे बैठेंगे घर पे, तो आप अपनी टेबल की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 की टेबल पे कब आता है 18? 9 पे। तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 2 9 का क्या होता है? 18। अब देखो डिविडेंड की बात हुई है, डिविडेंड का मतलब जिसको हमने डिवाइड किया है। डिवाइड किसको किया है आपने? 18 को। किससे डिवाइड किया है? 2 2 इज़ द डिविजर एंड द लास्ट आंसर इज़ 9। क्लियर? नाउ 35 डिवाइडेड बाई 5। तो 35 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है हमारा? 7। अभी हमने जो लास्ट मेथड किया है, रफ स्पेस पे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 5 इज 7। नाउ डिविडेंड इज 35, डिविजर इज 5 एंड द क्वोशेंट इज 7। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन, मूव टू द पार्ट डी। 64 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 8 का क्या होता है? 64। सो 8। नाउ 64 8 एंड ऑल्सो इट इज़ योर आंसर। क्लियर? नाउ 50 डिवाइडेड बाय 5। 5 की जब हम टेबल लर्न करते हैं तो 5 10 का क्या होता है? 50 होता है। तो ये राइट डाउन हियर 10, डिविडेंड इज 50, डिविजर इज 5 एंड 10 इज योर क्वोशेंट। नाउ 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 3 9 27। राइट डाउन द आंसर हेयर 27 3 9। ध्यान देना है आपने कि डिविडेंड के प्लेस पे ही डिविडेंड को लिखना है, डिविजर के प्लेस पे डिविजर को लिखना है, और क्वेश्चन के प्लेस पे क्वेश्चन को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेक द डिविजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। डिविजन फैक्ट की बात हो रही है। हमने लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी, जब हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवीज़न फैक्ट, उसमें आपको बताया गया था कि डिवीज़न फैक्ट होता क्या है। क्लियर? तो अगर आपको डिवीज़न फैक्ट के बारे में जानना है तो उस वीडियो को देखें। अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में और डिविजर और क्वेश्चन। ये हमने अभी ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसका, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया कि तीनों क्या हैं। अगर हम बात करें डिवीज़न फैक्ट की, तो क्या होता है? जिस नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इक्वल टू में हमारा जो रिजल्ट हम लिखते हैं, यानी इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं डिवीज़न फैक्ट कहते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। इसमें देखो आपको डिविडेंड दिया गया है 30 और डिवाइजर दिया गया है 6। क्वोशेंट आपको नहीं गिवन, तो मतलब आपको 30 को डिवाइड करना पड़ेगा पहले 6 से। तो हमें पता है कि 6 की टेबल में जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। अब इसका पूछा गया है डिविजन फैक्ट भी बताना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू क्वोशेंट कितना है आपका? 5। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट सी, जिसमें आपको डिविडेंड दिया गया है 42 एंड डिविजर दिया गया है 7, और क्वोशेंट कितना दिया गया है? नहीं दिया गया। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 क्या होता है? 42। सो नाउ डिविजन फैक्ट क्या हो जाएगा इसका? 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर डी, डिविडेंड इज 72 एंड डिवाइजर इज 9 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो 9 8 72। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द डिविजन फैक्ट। सो 72 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8।
क्लियर। नाउ मूव टू द ई पार्ट। डिविडेंड इज 81 एंड डिविजर इज 9। यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड वी नो दैट 9 मल्टीप्लाई 9 इज 81। सो 9 9 इज 81, योर आंसर विल बी 9 एंड यू हैव टू राइट डाउन द डिविजन फैक्ट हेयर। सो 81 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 9। क्लियर। लास्ट पार्ट, डिविडेंड इज 45, डिविजर इज 5। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही टेबल वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 5 9 5 9 का क्या हो जाएगा, 45। सो 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। इन क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए इजी होते जाएंगे। सो दिस वाज द वर्कशीट नंबर 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। एंड डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।